अरे भाई ये मैंने क्या बना दिया, TNT गोलम। तो गाइस स्वागत है आपका एक और नई चमत्कारी वीडियो में। तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं भाग भाग के इंट्रो क्यों दे रहा हूँ, तो एक बार पीछे देखो पीछे। यस गाइस मेरे पीछे एक पागल बेवड़ा पड़ चुका है जिसको तुम लोग प्यार से गोलम बुलाते हो, लेकिन मैं तो इसको बेवड़ा ही बुलाता हूँ क्योंकि पिछले आधे घंटे से ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये मुझे मेरे ही घर में घुसने नहीं दे रहा है। देखो गाइस अगर तुम्हारे पीछे भी ऐसा पागल गोलम पड़ जाए तो टेंशन नहीं लेने का दोस्त। अरे अरे तू कहाँ बीच में घुस रही है, अरे क्या करना चाहती है? अरे पप्पी क्यों दे रही है? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। एनीवेज दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो गाइस मैं बोल रहा था कि अगर बाई चांस तुम्हारे पीछे ऐसे गोलम पड़ जाए तो टेंशन नहीं लेने का भाई, सीधा किसी भी विलेजर के घर में जाने का और फिर जैसे ही गोलम दिखे उसको टपका देने का, गोलम का खेल खत्म। ओ माय गॉड ये क्या है, गोलम की टट्टी निकल गई। ओहो सॉरी ये गोलम की टट्टी नहीं आयरन इंगोट है, और जहाँ तक मुझे मालूम है आयरन इंगोट बनता है आयरन के ब्लॉक से। एक सेकंड ये यहाँ के हरकत पटक रहा है। गाइस देखो वो कोने में खड़े होकर पेशाब कर रहा है, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। कितनी बार बोला है घर की दीवारों पे पेशाब नहीं करते, जाके बाहर मूत। हाँ तो गाइस मैं बोल रहा था कि क्या तुमने कभी सोचा है कि आयरन गोलम्स हमेशा आयरन के ही क्यों बने होते हैं, क्या हम इनको और किसी ब्लॉक से नहीं बना सकते? तो हाँ गाइस आज की वीडियो में हम यही ट्राई करने जा रहे हैं, हम अलग अलग ब्लॉक से गोलम बनाने वाले हैं। एंड हाँ गाइस इस वीडियो में भी शॉर्ट आउट है तो वीडियो को बस आखिरी तक देखते रहो। तो ओके सबसे पहले हम गोलम बनाते हैं माइनक्राफ्ट के सबसे बेसिक ब्लॉक से जो है क्राफ्टिंग टेबल। तो ये रखी हमने क्राफ्टिंग टेबल। अरे यार ये रात क्यों होने लग गई। ओके एक ब्लॉक हमने यहाँ लगाया और दूसरा ब्लॉक हमने यहाँ लगाया। गाइस मुझे सही में नहीं पता कि क्या होने वाला है, बस मेरा पोपट नहीं बनना चाहिए। अब गाइस इसके ऊपर हमको एक सड़ा सा कद्दू लगाना है जिसकी शक्ल मुझे बहुत ही मनुष्य लगती है। ओके हमने ये लगाया। व्हाट, हेलो गाइस। अरे भाई ये मैंने क्या बना दिया, कभी हम इसको मारेंगे तो क्या ये हमारे पीछे पड़ेगा? अरे हाँ पड़ जाएगा, भागो भागो। ओके गाइस अब मैं क्रिएटिव मोड में आ चुका हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार गोलम के हाथों मरूं। अरे भाई ये गोलम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया, लोल। हेलो गोलम भाई क्या आप हमें सुन सकते हो? तेरे को सुनने का नहीं बोला है तो आगे देख। अरे गोलम भाई अपनी कुछ पावर दिखाओ ना। एक सेकंड ये क्या हुआ, क्राफ्टिंग गोलम, इसका मतलब इसका नाम क्राफ्टिंग गोलम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हम क्राफ्टिंग कर सकते हैं। वाओ नाइस यार। अरे भाई ये कहाँ चले गया? अरे ब्रो वेयर आर यू गोइंग, चलो आ जाओ मेरे साथ। काफी ही सही गोलम है यार, मतलब अब क्राफ्टिंग टेबल लगाने का उसको तोड़ने का टेंशन खत्म, बस इस गोलम को अपने साथ ले चलो, क्राफ्टिंग भी हो जाएगी और प्रोटेक्शन भी हो जाएगी। इसको अपन यहाँ बांध देते हैं। भाई यहीं खड़े रहना, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। ओके गाइस अगर हम क्राफ्टिंग टेबल से गोलम बना सकते हैं इसका मतलब कि हम फर्नेस से भी गोलम बना सकते हैं। तो ओके हमने यहाँ रखा एक फर्नेस, एक यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे। अब इसकी खोपड़ी लगानी है जो एक मनुष्य शक्ल वाला कद्दू है। एंड व्हाट, अरे भाई ये मैंने क्या बना दिया फिर से। लेकिन एक सेकंड ये गोलम इतना सदमे में क्यों लग रहा है, ये हिल क्यों नहीं रहा है? आई थिंक सो गाइस गोलम को लकवा पड़ चुका है। ओके गाइस आई एम बैक, और मुझे अभी मालूम पड़ा है कि ये गोलम ऐसे नहीं चलने वाला। जैसे तुम लोग जानते हो कि हमें फर्नेस को चलाने के लिए कोल लगता है, उसी तरह हमें इस गोलम के इंजन में कोल डालना पड़ेगा। तो ये लिया हमने कोल और ये डाला इसके हमने इंजन में। एंड गाइस इस गोलम का इंजन चालू हो चुका है। गाइस मुझे ये गोलम काफी ही बेकार लगा क्योंकि अगर इसका कोल खत्म ये फिर से सदमे में आ जाएगा। चल भाई तू भी यहाँ आ जा, तू भी यहाँ खड़े हो जा। ओके गाइस अगर हम क्राफ्टिंग टेबल से गोलम बना सकते हैं, फड़ने से गोलम बना सकते हैं, इसका मतलब कि हम डिस्पेंसर से भी गोलम बना सकते हैं, ट्राई करते हैं। तो ओके हम इसको यहाँ ट्राई करने वाले हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक बार गोलम बनने के बाद वो इधर उधर भागे। तो ओके हमने यहाँ रखा डिस्पेंसर। पता नहीं है डिस्पेंसर का मुंह देख के मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि ये ओ बोल रहा है। ओके हमने गोलम के हाथ पैर बना दिए हैं, अब हमें बस मुंडी लगानी है। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। गाइस तुम्हें इस गोलम की खासियत पता है, ये डिस्पेंसर गोलम है। अगर हम इसके अंदर तीर रख दें, फिर ये एरो छोड़ता है। यस एरो छोड़ता है, ये दूर से ही दुश्मन का काम तमाम कर सकता है। रुक जाओ मैं तुमको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले हमको यहाँ पर फेंस लगाना पड़ेगी और फिर उसके बाद हम यहाँ पर विंडिकेटर स्पॉन करेंगे। ओके गाइस अब तमाशा देखो। देखो गाइस वो गोलम वहाँ से तीर छोड़ रहा है और इसको यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ओ मर गया। लोल एक बार ट्राई करते हैं, बड़ा मजा आ रहा है। उससे अभी भी समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लोल ये भी गया। गाइस ये गोला मुझे काफी ही अच्छा लगा, लेकिन इसके साथ भी वही दिक्कत है कि एक बार इसके एरो खत्म फिर ये भी खत्म। गाइस तुम्हें मालूम है कि गोलम थोड़े दिमाग से पैदल होते हैं? गाइस उस चीज का प्रूफ तुम अभी देख सकते हो। देखो गाइस मैं बीच में खड़ा हूँ लेकिन उसके बाद भी वो तीर मारे ही जा रहा है। वो तो ये है कि मैं डेडपूल हूँ इसलिए मुझे कुछ हो नहीं रहा है, वरना ये तीर अभी मेरे सर के आर पार निकल जाता। अबे अंधे एक बार देख तो ले कहाँ मार रहा है। सही में यार ये गोलम्स का कुछ नहीं हो सकता। गाइस तुम्हें पता है कि ये गोलम इतने दिमाग से पैदल क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी खोपड़ी में दिमाग होता ही नहीं। मुझे लग रहा है कि तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हो। रुक जाओ इसका सबूत मैं तुमको अभी देता हूँ। तो इसके लिए हमको लगेगा ग्लास ब्लॉक, और जैसे तुम लोग जानते हो कि ग्लास ब्लॉक्स के आर पर हम देख सकते हैं, तो इससे हमको मालूम पड़ जाएगा कि गोलम की खोपड़ी में दिमाग होता है कि नहीं। तो ओके हमने ग्लास ब्लॉक से गोलम के हाथ और पैर बना दिए हैं, अब हमें वो सड़ी सी खोपड़ी लगानी है। एंड गाइस सबूत तुम्हारे सामने है, देख लो गोलम की खोपड़ी में दिमाग नहीं होता है। अरे भाई रुक कहाँ जा रहा है?
नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। लेकिन गाइस सीरियसली क्या मस्त लग रहा है यार। एक सेकंड, ये आगे देख रहा है कि पीछे देख रहा है। ले भाई तू भी यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ खड़े हो जा। गाइस पता नहीं मुझे एकदम से ये क्यों आइडिया आया है, क्या हम पेड़ की पत्तियों से गोलम बना सकते हैं? ओके हम ट्राई करके देखते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये इम्पॉसिबल है। What? Everything is possible when I am here. मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर मैं एक फुक मारूंगा ये यहाँ से उड़ जाएगा, पर मुझे पता नहीं अंदर से फीलिंग क्यों आ रही है कि ये काफी ही ताकतवर गोलम है। बड़ा ही ताकतवर गोलम है यार। ओके गाइस जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हमने सारे ही बेसिक ब्लॉक से गोलम बना लिए हैं। नहीं 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 एक सेकंड, हमने एन्चांटिंग टेबल से तो गोलम बनाया ही नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, बना के देख लेते हैं। तो ठीक है ये हमने रखी यहाँ पर और एक रखेंगे यहाँ पर, और ये लगाया हमने कद्दू। अरे भाई क्या है ये। हेलो गाइस, एक सेकंड, ये गोलम ने चश्मा लगा रखा है। लेकिन मस्त है यार, अब वो एन्चांटिंग सेटअप लगाने की जरूरत ही नहीं, बस इसी को अपने साथ में ले चलो, यही अपनी एन्चांटिंग फेंचांटिंग कर देगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि हमने अब सारे बेसिक ब्लॉक के गोलम बना लिए हैं। अब गाइस हम जो गोलम बनाने वाले हैं वो तुमने अपनी जिंदगी में भी नहीं देखे होंगे। यस, और वो जो गोलम होने वाले हैं ना वो काफी ही ताकतवर गोलम होने वाले हैं। एंड उनकी ताकत को आजमाने के लिए हम उनका WWE मैच करवाएंगे। एंड मैच करवाने के लिए मैंने अलग से ही एक जगह बना रखी है, तो चलो वहाँ चलते हैं। यस गाइस, ये वही जगह है जहाँ पर गोलम्स का WWE मैच होने वाला है। एंड गोलम से लड़ाई करने के लिए मैंने कुछ मेहमान बुलाए हैं। यस गाइस, ये वही मेहमान है, हम गोलम्स की इनसे लड़ाई करवाएंगे और देखेंगे कौन सिकंदर है और कौन नाली का बंदर है। गोलम वर्सेस विंडिकेटर। तो ओके, सबसे पहले हम बनाने वाले हैं गोल्ड गोलम, क्योंकि मैंने सुना है कि गोल्ड काफी ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है। तो ये रखे हमने यहाँ पर दो गोल्ड के ब्लॉक्स, एक यहाँ लगाएंगे। अरे भाई तू बीच में कहाँ आ रहा है, हट यहाँ से। नहीं, हटने का बोला है तो हटने का, ज्यादा शांत पत्ती नहीं दिखाने का। तो की गाइस ये लगाई हमने मुंडी। अरे भाई क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रुको जरा सबर करो। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। ये गोल्ड गोलम तो काफी ही फटीचा निकला यार। ओके गाइस अब हम बनाएंगे डायमंड का गोलम। लोग डायमंड से आर्मर बनाते हैं, लेकिन अगर हम गोलम बनाएंगे तो पता नहीं कैसा होगा। अरे भाई खतरनाक यार, एक शॉट में ही इन विंडिकेटर का तो खेल खत्म हो रहा है। इस गोलम ने तो कमाल कर दिया यार, एकदम कमाल। अरे तुम तो बड़े ही हेवी गोलम हो यार। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब गाइस हम जो गोलम बनाने वाले हैं वो काफी ही अलग गोलम होने वाला है, एकदम हटके। हम TNT से गोलम बनाने वाले हैं। गाइस मुझे सही में नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होने वाला है धमाकेदार होने वाला है। ओके ये लगाई हमने खोपड़ी। अरे भाई ये क्या बना दिया मैंने, ये तो कतई गजनी हो रखा है यार, हर जगह TNT लिखवा रखा है। बेटा अब तेरी ताकत आजमाएंगे। तो ओके ये स्पॉन करा हमने विंडिकेटर, और ये चालू हो चुकी है जंग। अरे भाई व्हाट, ये क्या हो गया अभी, ये गोलम तो क्रीपर निकला यार। एक और बार ट्राई करके देखते हैं भाई, यहाँ पर अभी जो भी हुआ ना मजा आ गया देख के। TNT गोलम इज रेडी, अब यहाँ करते हैं हम स्पॉन विंडिकेटर। अरे मार गोलम भाई मारो, अरे मारो गोलम भाई मारो। अरे भाई 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 इसने तो पूरी जमीन फाड़ दी, बड़ा ही फाड़ू गोलम है यार। लेकिन साले ने पूरी मेरी जगह बर्बाद कर दी, इतनी मुश्किल से बनाई थी मैंने ये, अब मुझे वापस से पूरी जगह बनाना पड़ेगी। गाइस मेरे पास एक बुक भी है जिसके अंदर सारे गोलम्स का ज्ञान दिया हुआ है। एक सेकंड व्हाट, हनी गोलम, इसका मतलब कि हम मधुमक्खी के छत्ते से गोलम बना सकते हैं। सीरियसली ट्राई करने में क्या जा रहा है, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। अरे भाई आराम से व्हाट, ये गोलम मधुमक्खी छोड़ रहा है, बहुत हार्ड यार। ओ देखो ये मधुमक्खियां इनको मार रही है, ये भी सही है। बाप रे ये गोलम ने तो बहुत सारी मधुमक्खियां छोड़ दी, कैसे देख रहा है, इन मधुमक्खियों ने तो इनकी 12 बजा दी यार। गाइस मैंने सारे मैक्सिमम छुटपुट गोलम तुमको दिखा दिए हैं, लेकिन अब मैं जो तुमको आखिरी गोलम दिखाने वाला हूँ वो सब गोलम्स का बाप है, बाप ऑफ ऑल गोलम्स। गाइस उस गोलम की ताकत देखने के लिए हमको स्पेशल जगह जाना होगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं शाउट आउट की। तो चलते हैं शाउट आउट मेंशन में। शाउट आउट टू जतिन रोस्टर, गेमिंग विद पंशुल, आयुष प्लेस, ओम प्रकाश जल, मजस खान, PK पार्कर गेमर्स, डेविल दीप, एंड लास्ट एवन गेमर, जिनके नाम नहीं आए हैं। टेंशन नहीं लेने का भाई, तुम्हारा नाम भी अगली वीडियो में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए वीडियो को मारो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब और एक छोटा सा कमेंट कर दो बस। ओके तो हम स्पेशल जगह आ चुके हैं। यस ये वही जगह है गाइस, यहाँ पर कम से कम 1000 TNT लगे हुए हैं। एंड हम उस गोलम को वहाँ पर बीचों बीच रखेंगे। एंड गाइस उसके बाद तुम जानते हो क्या होने वाला है, धमाका। ओके हम वो गोलम यहाँ पर स्पॉन करते हैं, और साथ में हम यहाँ पर आयरन गोलम भी स्पॉन कर देते हैं, ताकि तुम दोनों के बीच में कंपेयर कर सको। ओके खेल चालू करें। ये करा हमने TNT एक्टिवेट। अरे भाई ये क्या हो रहा है, वो आयरन गोलम आसमान में क्यों जा रहा है, भाई तबाही मचा दी यार तबाही। एक सेकंड, वो आयरन गोलम कहाँ चले गया, आई थिंक सो गाइस वो भगवान के पास पहुंच चुका है। देख लो गाइस सबूत तुम्हारे सामने है, आयरन गोलम की तो वाट लग गई, लेकिन ये गोलम अभी भी जिंदा है। गाइस तुम्हें पता है ये गोलम क्यों नहीं मरा, क्योंकि ये गोलम अंबुजा सीमेंट से बना है। गाइस अभी भी बहुत सारे गोलम्स तुमको दिखाना बाकी है, लेकिन उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आए तो। इसलिए वीडियो को मारो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब और साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो, और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए